जब हम साइट पे जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि DVR को ऑनलाइन करने के लिए सबसे ज़रूरी है मॉनिटर या IP या DVR के नीचे लगा हुआ QR कोड। तीनों की तीनों चीज़ें जो कि हमारे मोबाइल में ऐड करने के लिए सबसे ज़रूरी है। ये ख्याल हमारे दिमाग के अंदर रहता है, तो मैं आज इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग डायरेक्टली जो है DVR को अपने मोबाइल में ऐड कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के अलावा हम लोग दूसरा तरीका यूज़ करने वाले हैं, तो सिंपल में आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज हो, और आपको कहीं पर भी अगर ये प्रोसेस करना पड़े तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रोसेस को करने से पहले हमारा राउटर DVR से कनेक्टेड होना चाहिए और वही राउटर हमारे मोबाइल से कनेक्टेड रहना चाहिए, वाईफाई थ्रू या लैन थ्रू। आपको दिखाने के लिए मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटी हो रही है, जिसकी वजह से आप जो है समझ नहीं पाएंगे कि प्रॉपरली मैंने कौन से ऑप्शन को ऑन किया है। तो मेरे पास में एंड्रॉयड टैब अवेलेबल है, तो वहाँ पर आपके पास में मोबाइल अवेलेबल रहेगा तो आप ये मोबाइल से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हिट कनेक्ट एप्लीकेशन को ऑन कर देते हैं। ऐसे ही हिट कनेक्ट एप्लीकेशन को ऑन करेंगे, राइट कॉर्नर पे प्लस आइकॉन को सिलेक्ट करके ऑनलाइन डिवाइस में चले जाएंगे। ऑनलाइन डिवाइस में जाने के बाद हमें चेक कर लेना है कि जो हमारे DVR के पीछे लगा हुआ QR कोड है उसका मॉडल नंबर क्या शो हो रहा है। तो प्रॉपरली यहाँ पे जो मॉडल नंबर शो हो रहा है तो सिंपल में उसको सिलेक्ट करके यहाँ से एक्टिव कर देंगे। एक्टिव करने के बाद में यहाँ पर जो है हमें DVR का नया पासवर्ड क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ से admin@123 कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से वहाँ पर DVR का पासवर्ड डाल दीजिए, जो कि नया DVR अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो सिंपल में यहाँ से कंफर्म कर देंगे। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो हमारा DVR एक्टिवेट हो जाएगा। डायरेक्टली ऐड डिवाइस टू हिक कनेक्ट सर्वर के नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा रहेगा आपको, तो उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर DVR सर्च हो रहा है, तो यहाँ पर DVR और NVR सिलेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट एंड नेक्स्ट कर देते हैं। कनेक्ट एंड नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर ही कनेक्ट सर्वर को हम लोग ऑन करेंगे डायरेक्टली, जो कि DVR के अंदर हम लोग मॉनिटर लगा कर करते थे। तो हमें यहाँ पे DVR का जो हमने अभी पासवर्ड क्रिएट किया है वही पासवर्ड को हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, admin@123। तो यहाँ से इसको ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे हमें एक वेरीफिकेशन कोड जनरेट करना है, तो यहाँ पर CCTV मैं उलमान कर लेता हूँ यहाँ पर, जो कि मेरे चैनल का नेम है, जो कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियोस मेरे मिलते रहेंगे। तो यहाँ से सिंपल में फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद में यहाँ से हम लोग DSCP DVR के अंदर जो ऑप्शन रहता है उसको अनेबल कर देंगे। अनेबल करने के बाद में यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं हमारे DVR ऐड होने का। ऐड होने के बाद में जो हमने वेरिफिकेशन कोड वहाँ पे डाला था मेरे चैनल का नेम, वही यहाँ पर डाल देना है, CCTV उलमान। तो यहाँ से ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद में थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं, तो तुरंत ही हमारे DVR ऐड हो जाएगा हमारे मोबाइल के अंदर। तो यहाँ से सेव कर लेंगे, यहाँ से जो है स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद में आप देख सकते हैं कि DVR हमारे मोबाइल के अंदर ऐड हो चुका है, कि जो कि मैंने आपको नया DVR एक्टिवेट करके दिखा दिया है। अगर वहाँ पे कस्टमर का DVR है, कस्टमर जो है बहुत दिनों के बाद में ही कनेक्ट सर्वर को ऑन कर रहा है, तो हमें किस तरह से करना है, यानी कि एक एक्टिवेट DVR के ऊपर हम लोग किस तरह से जो है ही कनेक्ट सर्वर को ऑन करेंगे, ये यहाँ पर आपको टॉपिक है। पूरी ये वीडियो देखेंगे तो आपको प्रॉपरली इसके बारे में नॉलेज हो जाएगी कि किस तरह से हमें काम करना है। ही कनेक्ट एप्लीकेशन में जाने के बाद ऊपर हमें प्लस आइकॉन पर फिर से चले जाना है, यहाँ से ऑनलाइन डिवाइस में चले जाएंगे। जैसे ही ऑनलाइन डिवाइस में चले जाएंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो DVR है उसकी IP यहाँ पर शो हो रही है, तो यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेंगे सिंपल में। उस IP को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ऊपर की तरफ में पेंसिल का ऑप्शन बना हुआ है, तो इसको यहाँ से जाके यहाँ से डायरेक्टली DSCP को हम लोग अनेबल करके यहाँ से सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे DVR का पासवर्ड देना, लॉगिन पासवर्ड देना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ से DVR का लॉगिन पासवर्ड दे देते हैं, admin@123 यहाँ से कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद में हमारा DVR का जो है DSCP ऑन हो जाएगी और वो डायरेक्टली राउटर की IP ले लेगा।
फिर से एक बार बैक आकर एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, फिर से उसी आईपी को सिलेक्ट करके यहाँ से नीचे ऐड डिवाइस टू हिक कनेक्ट सर्वर में चले जाते हैं। तो सिंपल में डीवीआर और एनवीआर में चले जाएंगे, डीवीआर और एनवीआर में जाके कनेक्टेड एंड नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से हिक कनेक्ट सर्वर को ऑन कर लेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, हमारे डीवीआर का पासवर्ड डाल देंगे जो कि हमारे कस्टमर का डीवीआर है उसका पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे। एडमिन एक्ट 123 यहाँ से ओके कर लेंगे। फिर से हमें एक वेरिफिकेशन कोड जनरेट कर लेंगे। मेरे चैनल का नेम है प्लीज आप सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने पर मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। ऐसे फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद में हम लोग वेट कर लेंगे डीवीआर हमारे मोबाइल के अंदर ऐड होने का। तो सिंपल में आप देख रहे हैं कि एडिंग द डिवाइस प्लीज वेट करके दिखा रहा है। तो यहां से नेक्स्ट कर लेंगे, सेव कर देंगे, सेव करके यहां से स्किप कर देंगे जो कि हमारे डीवीआर हमारे मोबाइल के अंदर ऐड हो चुका है। तो सिंपल वे में मैंने आपको दिखा दिया है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग ही कनेक्ट एप्लीकेशन से किस तरह से डीवीआर को डीएससीपी ऑन करके मोबाइल में ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको कुछ नई चीज़ का नॉलेज हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।